दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मिनरल के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपके शरीर में 300 से भी ज़्यादा अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? इतना ही नहीं, ये जो मिनरल है ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को, मसल फंक्शन को और इवन आपकी हार्ट हेल्थ को भी बहुत ही सीधी तरह डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जी हाँ, इस मिनरल के बिना दोस्तों आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती है और इस मिनरल का नाम मैग्नीशियम है। आपने अक्सर कैल्शियम का नाम सुना होगा दोस्तों, आयरन के बारे में भी सुना होगा, विटामिन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मैग्नीशियम हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी कमी से हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में ये सभी बातें पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है और बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करता है। चाहे आपको एनर्जी चाहिए या फिर नर्व्स को आप रिलैक्स करना चाहते हैं, मैग्नीशियम हर जगह पर ज़रूरी होता है। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हम कई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि मसल्स में दर्द का होना या फिर हड्डियों के अंदर कमज़ोरी का आ जाना, बिना किसी खास वजह के हर वक्त थकान और कमज़ोरी को फील करना, या फिर अगर आपको बार बार एंग्जाइटी होती है या फिर आसानी से आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा अगर आपको आता है, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जो कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर जब भी इस तरह के लक्षण हम फेस करते हैं तो मैग्नीशियम की तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। वैसे तो मैग्नीशियम की कमी किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को मैग्नीशियम की कमी का रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, ओल्डर एडल्ट्स यानी कि बूढ़े लोग या जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ बॉडी की जो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। इसके अलावा अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ को या सीलिएक डिजीज़ को, या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट अगर आप हैं, खास करके अपनी शुगर को कंट्रोल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होने का रिस्क आपके अंदर ज़्यादा होता है। तो अगर आप इन हाई रिस्क कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं या फिर अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है। आपको ये वीडियो पूरी एंड तक पूरे ध्यान के साथ देखनी है, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो फूड्स हैं जिनसे आप अपनी डाइट में नेचुरली मैग्नीशियम की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बॉडी में इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में आखिर करता क्या है। दोस्तों, मैग्नीशियम का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। मतलब कि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी बनती है उसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है, जिससे कि हमारी सेल्स एनर्जी को बनाती हैं, ताकत हमारे अंदर आती है। मैग्नीशियम के बिना ये प्रोसेस जो है एटीपी प्रोडक्शन का, वो धीरा हो जाता है, इसकी वजह से हम थकान और कमज़ोरी का सामना करते हैं। दूसरा जो काम है मैग्नीशियम का, वो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम की प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है, जो कि ब्रेन से सिग्नल्स को भेजते हैं और नर्वस सिस्टम को स्मूथली चलाने का काम करते हैं। इससे आपका जो मूड है वो ठीक रहता है और साथ ही साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी इससे कमी आती है। तीसरा काम जो मैग्नीशियम करता है वो है आपकी मसल फंक्शन के लिए। दोस्तों, मैग्नीशियम आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए एक बैलेंस बना के रखता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम सही मात्रा में नहीं होता है तो आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल्स में स्पैज़म हो सकता है और ट्विचेस, यानी कभी कभी आपने देखा होगा मसल्स ऐसे ऐसे अपने आप हिलती हैं, ऐसा कुछ आपके अंदर हो सकता है। मैग्नीशियम हड्डियों के लिए भी दोस्तों बहुत ही क्रूशियल होता है। आपकी हड्डियों के अंदर बॉडी का कुल 60% मैग्नीशियम स्टोर होता है, जो कि उनकी स्ट्रेंथ और डेंसिटी को बनाए रखता है। अक्सर हम हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम पर ही पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन जान लीजिए दोस्तों कि मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि कैल्शियम। ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, जो कि मजबूत हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है जो मैग्नीशियम हमारे अंदर करता है, वो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है।
जब आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम के लेवल्स सही होते हैं, अच्छी तरीके से मतलब नॉर्मल लेवल्स पे रहते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो स्टेबल रहती है, जिससे कि दिल की जो बीमारियाँ होती हैं उनका रिस्क कम होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हमारे अंदर हो जाए तो हमारे अंदर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क, हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क और इररेगुलर हार्ट बीट होने का जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा सही तरीके से हो तो शुगर बैलेंस में हमेशा रहेगी और डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक इससे कम हो सकता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम हमारे अंदर कम हो जाए तो उसकी वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं करती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बात के कि डायबिटीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए। नेक्स्ट जो मैग्नीशियम का काम है दोस्तों, वो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर के अंदर से विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो देखा आपने दोस्तों कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कितने अलग अलग और ज़रूरी रोल्स प्ले करता है। चलिए अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी अगर हमारे अंदर हो जाए या इसके लक्षण दिखाई देने लगे तो इनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो, कुछ भी अच्छी जानकारी इससे, नई चीज़ आपसे आपको अगर इसमें समझने को मिल रही हो, जानने को मिल रही हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशंस, मीम्स, फन फैक्ट्स और रेमेडीज़ वगैरह के बारे में अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर रोज़ाना जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर और एक्स के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो आप अगर इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं या एक्स को, ट्विटर को यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम के लिए आप अपनी डाइट में हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, शलजम, साग और मेथी वगैरह को शामिल कीजिए। इनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। खास करके दोस्तों पालक जो है ये आप अपनी डाइट में ज़रूर खाएं, इसका सूप बनाकर या सब्ज़ी बनाकर, क्योंकि ये मैग्नीशियम तो इसके अंदर होता ही है, साथ साथ आयरन और कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, जो कि बोन्स और मसल्स के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इससे आपको तीन गुना फ़ायदा मिलता है। दूसरे नट्स और सीड्स भी मैग्नीशियम के एक्सीलेंट सोर्स हैं, तो आप बादाम, काजू, अखरोट के साथ साथ पम्पकिन सीड और शिया सीड्स को भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोवा और गेहूं का जो दलिया होता है ये भी आप अपनी डाइट में ऐड करें, इनके अंदर भी मैग्नीशियम आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अगर बात करें बीन्स की तो ये भी मैग्नीशियम की कमी को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। राजमा, छोले और साबुत मूंग को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, हो सके तो इनको अंकुरित करके मूंग वगैरह को खाइए, क्योंकि इनके अंदर भी मैग्नीशियम लेवल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही फैटी फिशेज जैसे कि मैकरेल, सामन या सिंगाड़ा फिश वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, इनके अंदर मैग्नीशियम तो होता ही है, साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। और लास्टली डार्क चॉकलेट्स भी मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे मॉडरेशन में ही लें, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो सकते हैं। वैसे इन सब चीज़ों को दोस्तों अगर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना आपको मुश्किल लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें हम कैसे खाएंगे, तो आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ अच्छे मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के लिंक्स आपके लिए डाल दूंगा, जिन्हें अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक टैबलेट से दिन भर की जो मैग्नीशियम की आपकी सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी। वैसे दोस्तों मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम भी आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। इंडिया में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, और ये नंबर्स अपने आप में चौंका देने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने हेल्थ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और कैल्शियम की कमी से बचना चाहते हैं, तो अब यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम आपको देती है। तो एक बार यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैग्नीशियम के बारे में आपकी जो जानकारी है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।